आमदनी के बाद भी अगर अपनी खर्च का कोई लेखा जोखा ना हो तो धीरे धीरे आर्थिक सेहत बिगड़ती जाती है। अगर आमदनी और खर्च के बीच तालमेल नहीं है तो इसका सीधा असर हमारी सेविंग पर पड़ता है। ये एक ऐसी समस्या है जो आपको कुछ ही दिनों में ठनठन गोपाल बना सकती है। ऐसे में चलिए आज समझते हैं कि कैसे आप अपने खर्च को संतुलित कर अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैलरीड क्लास को कम से कम 20-30% सैलरी का हिस्सा बचाना चाहिए। आज चलिए हम प्रियंका की सैलरी और उसकी आर्थिक चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। प्रियंका की सैलरी 1,00,000 रुपए महीने है और वो मेट्रो शहर में नौकरी करती है। फिलहाल उसकी शादी नहीं हुई है, ना कोई खास जिम्मेदारी है उस पर, लेकिन उन्हें इसी सैलरी में से घर और कार खरीदनी है। हर महीने 20,000 रुपए सेविंग भी करनी है। कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा, आइए समझते हैं। अब प्रियंका के सवालों का जवाब तलाशने की अगर हम कोशिश करें तो अगर 1,00,000 रुपए सैलरी है तो पीएफ कटने के बाद करीब 95,000 रुपए अकाउंट में डिपॉजिट होते होंगे। अब सबसे पहले घर की बात करते हैं। आज के दौर में बड़े शहर में 2 BHK फ्लैट अगर किसी को लेना हो तो इसकी कीमत करीबन 40,00,000 रुपए होती है, जिसमें करीब 5,00,000 रुपए का डाउन पेमेंट करना होता है और बाकी अगर हम देखें तो 35,00,000 रुपए बैंक से लोन ले सकते हैं। मौजूदा होम लोन ब्याज दर के अनुसार करीब 30,000 रुपए महीने की EMI बनेगी, यानी सैलरी में से 30,000 रुपए महीने घर की EMI में चली जाएगी। इसके बाद अगर बात करें कार की, तो वैसे किसी को भी अपनी सैलरी के 6-8% हिस्सा ही कार की EMI पर खर्च करना चाहिए। 1,00,000 की सैलरी वालों को 6-8,000 रुपए महीने EMI पर पहली कार लेनी चाहिए। अधिकतम 10,000 रुपए हर महीने कार की EMI भर सकते हैं। इस हिसाब से प्रियंका की कार की कीमत 6-8,00,000 रुपए होनी चाहिए। यही नहीं, कार लोन अधिकतम 5 साल के लिए लेना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि 4 साल में भी कार लोन को निपटा दे, यानी कार और घर की EMI मिलाकर प्रियंका की सैलरी में 40,000 रुपए हर महीने निकल जाएंगे। अब निवेश पर आते हैं। हर किसी को 20-30% सैलरी का हिस्सा निवेश यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रियंका बचत की शुरुआत 20,000 रुपए से करना चाहती हैं, जबकि आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि प्रियंका को अभी जब कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है तो उन्हें हर महीने कम से कम 30,000 रुपए बचाना चाहिए। लेकिन अभी 20,000 रुपए महीने बचा रहे हैं तो इसमें से 10,000 रुपए हर महीने SIP में जाना चाहिए, बाकी 10,000 रुपए PPF और दूसरे स्कीम्स में लगानी चाहिए। इस तरह से प्रियंका के बैंक में क्रेडिट 95,000 सैलरी में से 60,000 रुपए घर कार और बचत के लिए निर्धारित हो जाएंगे। अब बाकी बचे 35,000 रुपए, इसमें से 20-25,000 रुपए हर महीने घर का खर्च मान लेते हैं, जिसमें ग्रोसरी के अलावा लाइफस्टाइल पर भी खर्च होता है। बाकी 10-15,000 रुपए को इमरजेंसी फंड के तौर पर जमा करें। इस रकम को मेडिकल इमरजेंसी, साल में 2 बार ट्रैवलिंग पर खर्च कर सकते हैं। हालांकि 1,00,000 की सैलरी वालों को हॉलिडे स्पेंड के तौर पर सालाना 50,000 रुपए तक ही खर्च करना चाहिए। वित्तीय सलाहकार की माने तो प्रियंका को हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में करीब 2,00,000 रुपए इमरजेंसी फंड के तौर पर रखना चाहिए। साथ ही कार और घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट को सैलरी में से बचाकर करना चाहिए, यानी घर कार खरीदने से पहले जॉब के दौरान जो पैसे बचाए हैं उसका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि प्रियंका को सबसे पहले करीब 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। इसके अलावा उनके लिए कम से कम 10,00,000 रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, जो फैमिली फ्लोटर प्लान होना चाहिए, जिसमें शादी से पहले उसमें माता पिता का नाम शामिल हो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आज के दौर में सबके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ हमने स्टोरी को केवल समझाने के लिए प्रियंका का उदाहरण लिया था। हालांकि अगर आप आमदनी और खर्च के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो आप वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। मिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।